नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर एचपी और आइए वक्त हो गया हिमाचल प्रदेश के ताजा और बड़ी खबरों को जानने का। बताएंगे सभी खबरें एक एक करके एवं विस्तार से। उससे पहले आप हिमाचल प्रदेश के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। साथ ही सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबरें। कर्मचारियों के महंगाई भत्ता, डीए एरियर पर फैसला। जी हाँ, कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है, सरकार ने उसके महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी कर दी है। कर्मचारियों के डीए और डीआर में 3% की बढ़ोतरी की गई है, इसमें उनकी सैलरी में इजाफा होगा। डीए डीआर में ये बढ़ोतरी 1 जुलाई 2021 से लागू की गई है। तबादलों से नाराज शिक्षक जाएंगे हाईकोर्ट, संयुक्त कर्मचारी महासंघ के 2 और पदाधिकारियों ट्रांसफर। जी हाँ, तबादलों से नाराज शिक्षक हाईकोर्ट जाने की तैयारी में है। हिमाचल प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों पर उच्च और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय का शिकंजा कसने के बाद शिक्षकों ने अपने संवैधानिक अधिकारों का तर्क देते हुए हाईकोर्ट में तबादला आदेश को चुनौती देने का फैसला लिया है। उधर संशोधित वेतनमान मामले में संयुक्त कर्मचारी महासंघ के 2 और पदाधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग अकाउंटेंट और स्टाफ नर्स भर्ती के 284 आवेदन रद्द। जी, हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग ने अकाउंटेंट और स्टाफ नर्स के लिए आए करीब 284 आवेदनों को रद्द कर दिया है। आवेदक की तरफ से आयोग में ORA फॉर्म और निर्धारित परीक्षा शुल्क जमा नहीं करवाने पर यह कार्रवाई की गई है। आयोग ने कुछ दिन पूर्व ही पोस्ट कोड 933 स्टाफ नर्स और पोस्ट कोड 951 अकाउंटेंट के पदों पर भर्ती के लिए छठनी परीक्षा का शेड्यूल जारी किया है। शेड्यूल के मुताबिक स्टाफ नर्स की लिखित परीक्षा 10 अप्रैल को, जबकि अकाउंटेंट की लिखित परीक्षा 22 मई 2022 को प्रदेश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर करवाई जानी है। हिमाचल सरकार का फैसला, 2989.44 करोड़ निवेश के 24 उद्योगों को स्वीकृति, 5610 लोगों को मिलेगा रोजगार। जी हां, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बुधवार को राज्य एकल खिड़की स्वीकृति और अनुश्रवण प्राधिकरण की 22वीं बैठक में 24 उद्योगों को मंजूरी दी गई। हिमाचल प्रदेश में लगने वाले इन उद्योगों में 2989.44 करोड़ रुपये का निवेश होगा। प्रदेश के 5610 गाँवों को रोजगार मिलेगा। बद्दी तहसील के गांव धर्मपुर में ओकाया ईवी प्राइवेट लिमिटेड यूनिट 1 को इलेक्ट्रॉनिक वाहन, स्कूटी के उपकरण और पुर्जों का निर्माण होगा। आम आदमी पार्टी, सरकार बनी तो पुरानी पेंशन बहाल होगी, सीएम का सरकारी कर्मचारियों के प्रति बयान सही नहीं। जी, आम आदमी पार्टी के हिमाचल प्रदेश के प्रभारी रत्नेश गुप्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की सरकारी कर्मचारियों के प्रति बयानबाजी ठीक नहीं है। इसी तरह का बयान 2011 में कांग्रेस के केंद्रीय मंत्री रहे कपिल सिब्बल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ लोकपाल बिल की मांग पर कर दिया था। उस समय दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी। सिब्बल ने खुली चुनौती दी थी कि अगर लोकपाल बिल लाना है तो चुनाव लड़ो। आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा और फिर दिल्ली में लोकपाल बिल भी लाई। हिमाचल प्रदेश को विभिन्न परियोजनाओं के लिए विश्व बैंक से मिलेंगे 3160 करोड़। जब विश्व बैंक के पास हिमाचल में निवेश का पर्याप्त पोर्टफोलियो है और विभिन्न परियोजनाओं के रूप में राज्य को कुल 3160 करोड़ रुपये प्राप्त हो रहे हैं। यह परियोजनाएं सड़क, जलापूर्ति, बागवानी, वन और वित्तीय प्रबंधन क्षेत्रों से संबंधित है। हिमाचल में जमा 2 की T2 की परीक्षाओं में बदलाव, शिक्षा बोर्ड ने यह लिया फैसला। जी हाँ, बोर्ड के अध्यक्ष ने बताया कि जमा 2 कक्षाओं की प्रैक्टिकल परीक्षाएं परीक्षार्थियों की सुविधा अनुसार 7 से 20 अप्रैल तक संबंधित विद्यालय के स्तर पर आंतरिक रूप से संचालित की जाएंगी। 10वीं व जमा 2 कक्षा के कंपार्टमेंट के अतिरिक्त श्रेणी सुधार इत्यादि की टर्म 2 परीक्षाओं के साथ निर्धारित तिथियों को संचालित की जाएंगी। 10वीं कक्षा की लिखित परीक्षाएँ पूर्व निर्धारित तिथियों के मुताबिक ही होंगी। 10वीं की प्रैक्टिकल परीक्षाएँ 18 से 22 अप्रैल तक होगी। सरकारी नौकरी, हिमाचल बिजली बोर्ड में भरे जाएंगे सहायक अभियंताओं के 76 पद, जाने आवेदन की अंतिम तिथि। जी हां, हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल के 76 पद भरे जाएंगे। राज्य लोक सेवा आयोग ने बुधवार को भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। 12 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। 18 से 45 वर्ष की आयु वाले आवेदन करने की पात्र होंगे। सहायक अभियंता इलेक्ट्रिकल पद के लिए चुने जाने वाले को 16,650 से 39,100 का पे स्केल और 5800 रुपये ग्रेड में मिलेगी। अनुबंध आधार पर भर्ती होगी। हिमाचल के 4 जिलों में 24 जगहों पर हिमस्खलन की चेतावनी।
जी हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू के साथ लाहौल स्पीति और मनाली लेह मार्ग मौसम खुलने के बाद हिमस्खलन का खतरा बढ़ गया है। मनाली स्थित हिम और हिमस्खलन अध्ययन प्रतिष्ठान ने जलोड़ी दर्रा से लेकर लेह तक हिमस्खलन की चेतावनी जारी की है। खासकर अटल टनल रोहतांग के साउथ पोर्टल से लेकर दारचा तथा पांगी किलाड़ मार्ग को अति संवेदनशील माना है। सासे ने हिमाचल प्रदेश के 4 जिलों में यह खतरा जताया है। कुल्लू, किन्नौर, चंबा के पांगी किलाड़ और लाहौल स्पीति जिले के 24 पॉइंट ऐसे हैं जहां कभी भी हिमस्खलन हो सकता है। 18 अप्रैल से साक्षात्कार पूर्व सैनिक कोटे से भरे जाएंगे JEE, LA और JOA के पद। जी हां, सैनिक कल्याण विभाग निदेशालय हमीरपुर में विभिन्न पदों को पूर्व सैनिक कोटे से भरने के लिए 18 अप्रैल से साक्षात्कार होंगे। विभाग ने पात्र पूर्व सैनिकों को इसके लिए कॉल लेटर जारी किए हैं। विभाग ने अप्रैल, मई और जून माह में होने वाले इन साक्षात्कार को शेड्यूल भी जारी कर दिया है। मार्च माह में भी विभाग के निदेशालय में TGT, JBT, PGT के साक्षात्कार हुए हैं, जबकि कुछ पदों के साक्षात्कार चल भी रहे हैं जो 31 मार्च तक जारी रहेंगे।